पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। इनकी जो 10 गारंटी है, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन है। पटरी पर आएगी नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे ठीक करने में, और इसमें कौन सी गलत बात कही है, आंकड़े हैं। पूर्व सीएम बोले हिमाचल के हालात श्रीलंका जैसे बताकर कर्ज का रोना रोककर जनता में दहशत पैदा कर रही है सुक्खू सरकार। नई सरकार की गलत नीतियों व चुनावी गारंटी को बताया सूबे की आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार बदहाली का रोना रोने वाली कांग्रेस सरकार द्वारा उप मुख्यमंत्री 6 CPS व कैबिनेट रैंक वाले सलाहकार तथा चेयरमैन नियुक्त कर कई गुना बढ़ाए गए सरकारी खर्चे। OPS लागू करने का फॉर्मूला बताने के साथ साथ सीएम से महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 5 लाख नौकरियां, फ्री बिजली जैसे वादे पूरे करने की तारीख भी पूछी। जयराम ठाकुर के अनुसार उनकी सरकार ने लिया पूर्व की कांग्रेस सरकार से कहीं कम कर्ज। 5000 करोड़ बचाने के लिए 600 से ज्यादा संस्थान बंद किए जाने को भी जन विरोधी कदम बताया। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भाजपा को जवाब देते हुए पूर्व की जयराम सरकार को ठहराया इकोनॉमिक कंडीशन खराब होने का जिम्मेदार। हिमाचल के श्रीलंका जैसे हालत पर सवाल पूछे जाने पर कहा RTI लेकर सच्चाई जान सकते हैं पत्रकार। अनुराग ठाकुर के तर्ज का जवाब देते हुए सीएम बोले हालात सुधरने में 4 साल लगने का मतलब ये नहीं कि इस दौरान विकास नहीं होगा। सरकार पर कर्ज व बांध किए गए संस्थानों की संख्या अलग अलग बताकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं पक्ष व विपक्ष के नेता। हिमाचल के मशहूर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर गुप्ता भी कह चुके हैं सरकार की मुफ्त की योजनाएं जारी रहने की सूरत में हिमाचल में श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा होने की बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा बार बार सरकार पर कर्ज का बोझ होने, हालात सुधरने में 4 साल लगने व हिमाचल की कंडीशन श्रीलंका जैसी होने संबंधी बयान को नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जनता में दहशत व पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि न केवल सीएम सुक्खू की देवभूमि हिमाचल की श्रीलंका से तुलना किया जाना परिस्थितियों के हिसाब से गलत है, बल्कि वह कर्ज को लेकर 75,000 करोड़ से 95,000 करोड़ तक के अलग अलग आंकड़े पेश कर जनता को भ्रमित करने की भी कोशिश कर रहे हैं अथवा फाइनेंस डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन को समझ नहीं पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार हिमाचल पर वर्तमान में 70,000 करोड़ के करीब कर्ज है और इसमें से 50,000 करोड़ के आसपास उनसे पहले की कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था। उन्होंने कहा कि 620 के करीब संस्थान तो ऑफिस बंद कर 5,000 करोड़ के करीब की सालाना राशि बचाने के दावे करने वाली सुक्खू सरकार अब 380 के लगभग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्क्रूटनी करने जा रही है और डीनोटिफिकेशन अभियान के साथ साथ विभिन्न विकास कार्यों के टेंडर, विधायक निधि व सरकारी नौकरियों पर पूर्ण प्रतिबंध भी नई सरकार लगा चुकी है। सीएम के सूबे की हालत सुधरने में 4 साल संबंधी बयान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि छोटे से प्रदेश में पहली बार उप मुख्यमंत्री 6 CPS व कैबिनेट रैंक के सीएम के सलाहकार तथा चेयरमैन जैसी नियुक्ति कर यदि फिजूल खर्ची पर नियंत्रण नहीं हुआ और कांग्रेस ने सभी 10 चुनावी गारंटी को लागू करने की कोशिश की तो इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने में 40 साल भी लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10 में से केवल एक OPS की गारंटी पूरी करने का दावे करने वाली सुखविंदर सुक्खू सरकार ने अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का फॉर्मूला नहीं बताया और फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 5 लाख सरकारी नौकरियां व 300 यूनिट फ्री बिजली जैसे वादे अथवा गारंटी कब तक पूरी होगी इस बारे भी सीएम को जनता को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जयराम ठाकुर के अनुसार व्यवस्था परिवर्तन के दावे करने वाले नए सीएम की गलत नीतियों व डिसीजन की वजह से व्यवस्था और खराब होती जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर जयराम ठाकुर अथवा भाजपा के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने आर्थिक हालात सुधरने में 4 साल लगने को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। सीएम ने इस दौरान दोबारा श्रीलंका का नाम तो नहीं लिया मगर हिमाचल की बात हाल ही के लिए जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आज उन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेने पड़ रहे हैं। स्थिति सुधारने में 4 साल लगने व 5वें साल चुनाव होने संबंधी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की टिप्पणी को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके बयान का यह मतलब नहीं है कि वह सरकार के 5 में से 4 साल तक कोई भी विकास कार्य नहीं करेंगे। गत 11 दिसंबर को सुखविंदर सुक्खू द्वारा बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किए जाने के महज 2-3 दिन बाद 50,000 के करीब लोगों के रोजगार से जुड़े देश व दुनिया के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के ACC व अंबुजा सीमेंट प्लांट को लेकर सीएम ने कहा कि हिमाचल से संबंधित ट्रक ऑपरेटर
के हितों का सरकार ध्यान रखेगी। और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को उन्होंने पिछले 1.5 माह से उलझते जा रहे इस विवाद को सुलझाने को कहा है। सीएम के अनुसार सरकार के दबाव के बाद अडानी ग्रुप के मैनेजमेंट द्वारा ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन से सीधी बात भी की जा चुकी है और जल्द प्रदेश की दोनों बड़ी सीमेंट फैक्ट्री के ताले खुलवाने व लोगों का रोजगार बहाल किए जाने के प्रयास जारी है। गौरतलब है कि पूर्व प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कर्ज व वर्तमान सरकार द्वारा डीनोटिफाई अथवा बंद किए गए सैकड़ों संस्थानों को लेकर मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री जैसे नेता अलग अलग आंकड़ा व संख्या बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर यूजर नेताओं को यह कह कर कोस रहे हैं कि कम से कम किसने कितना कर्जा लिया और कितने ऑफिस बंद हुए इस बारे तो सच कहें, क्योंकि अब इलेक्शन हो चुका है और झूठ बोलकर भी अगले चुनाव तक दोनों दलों के नेताओं को ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं और जिस बयान का वो अभी तक संदर्भ भी जो स्पष्ट नहीं कर पाए कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहाँ की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। और जब मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री को कम से कम परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार 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 वो और कह रहे हैं और जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहां से किस प्रकार से निकाला, 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी हैं अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। कहता हूं कि वो परिस्थिति जो 10 गारंटी की अगर इन्होंने बात कही है वो पूरी होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। कि एक तो 75,000 करोड़ रुपये का ऋण का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के जो फैक्ट्स हैं अभी तक 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं है प्रदेश सरकार के, हमारी सरकार में 70,000 करोड़ के लगभग हमने छोड़ा है। बहुत सारी एरियर की बात कह रहे हैं कि वो भी हमको देना पड़ेगा, डीए का जिक्र कर रहे हैं वो भी हमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी इस प्रकार से बनती है और 5,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए उनकी बनती है, तो कुल मिला करके आंकड़ा उनने पहुंचा दिया 95,000 करोड़ रुपए के नज़दीक। मैंने एक बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें रही, अब जब से हिमाचल प्रदेश बना है 10 बार कांग्रेस की रही है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की, हमसे दुगना समय में रही है। और प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति के लिए अगर ऐसी परिस्थिति में अगर दोषी सबसे ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ कि वो सरकार है जो लंबे समय तक रही, जिन्होंने लोन के बाद लोन लिया और आज कह रहे हैं कि लोन को चुकता करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति उनको मालूम होना चाहिए, जब पिछली बार 5 साल पहले जब हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार मिली थी उस वक्त भी ये स्थिति थी। और आप इस बात को देखते होंगे कि UGC स्केल की अगर बात करें, हम आमतौर पर हिमाचल पंजाब को फॉलो करता है, पंजाब ने अभी तक भी दिया नहीं है, लेकिन हमने UGC स्केल जो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमारे
प्रोफेसर है उनको हमने जारी कर दिया, उनको स्वीकृत कर दिया। जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान बंद करने का जो क्रम चला हुआ है, डिनोटिफिकेशन का जो क्रम चला है, वो लगातार अभी तक रुका नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी 386 इंस्टीट्यूशंस इन्होंने जो है स्क्रूटनाइज किए हैं कि आपने गारंटी की कमिटमेंट की है, उसके लिए रिसोर्सेज जहाँ से भी जनरेट करने आपको है आप करिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संस्थानों में ताले लगा करके और चली हुई जो हमारी योजना है उनको बंद करके, इस प्रकार से अगर बंद करने की कोशिश करेंगे आप जो है वो लाए अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो उसको कोई भी प्रदेश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। कहा गया प्लानिंग की बैठक में कहा गया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की जो अंतिम किस्त जो बची है 50 लाख रुपए की, उसको जारी नहीं करेंगे। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में एक बहुत अस्थिरता का एक इस तरह का एक माहौल बना है कि कर्मचारियों को आने वाले समय में सैलरी नहीं मिलेगी, लोगों को विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में पैसा नहीं मिलेगा। श्रीलंका की स्थिति तो यही है। मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 दिन बाद अदानी जी ने अपने जो सीमेंट फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, कि पिछले कल उन्होंने सीधी वार्ता भी ट्रक ऑपरेटर्स के साथ की है। वो हमारा ही दबाव था कि वो सीधे तौर पर वार्ता करने के लिए तैयार हुए, और सरकार ने भी ये कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। श्रीलंका जैसे हालत यहाँ भी होते हैं, इसको लेके ऑपोजिशन ने भी रिवोल्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि 4 साल तक कुछ मांगना नहीं, मैंने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को ठीक करने में 4 साल लग जाएंगे ठीक करने में। और इसमें कौन सी गलत बात कही है, आंकड़े हैं। आप सबको RTI डाल देनी चाहिए, सूचना का अधिकार लेना चाहिए, डाल देना चाहिए। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो हिमाचल सरकार पर चढ़ा है, 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों का हमने देनदारियां देनी है, और ये जो 900 संस्थान उन्होंने खोले, अगर हम इनको सुचारू रूप से चलाएं तो 5,000 करोड़ रुपए का इसका एरियर है। तो 75,000 + 16,000 86,000 करोड़ तो देनदारियों का है जो हमने देना है, और 5,000 करोड़ 91,000 करोड़ रुपया हुआ।